वहीं जिलाधिकारी हर्षदा माथुर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने आगामी होली और रमजान के त्यौहार को लेकर कलेक्टर परिसर में स्थित बचन भवन में समाज के सभी धार्मिक लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर हुड़दंगबाजियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए। वहीं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने होली और रमजान के दोनों त्यौहार जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये दोनों त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए और लोगों को आपस में जोड़ने को कहा। वहीं दोनों त्यौहार पर अगर कोई भी अराजक या गुंडागर्दी करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आगामी जितने भी जनपद में त्योहारों को संपादित किया जाना है उसके लिए, उसके संबंध में एक सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा की गई है। इसमें प्रमुख रूप से सारे जो हमारे विभाग हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे साफ़ सफाई के हों, विद्युत सुरक्षा के हों, मेडिकल विभाग से संबंधित हों और हमारी जो रूट्स की तैयारी है, जुलूसों की तैयारी है, उन सभी से आयोजक गण जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उन सभी के लिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मैसेजेस हैं वो भी इन लोगों को दे दिए गए हैं और जो समस्याएं स्थानीय रूप से आ रही हैं उनके संबंध में भी सभी लोगों से वार्ता कर ली। मैम, होली का पर्व हुड़दंग मचाते हैं, इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश हैं? क्या देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज ये बैठक इसी उद्देश्य से की गई थी कि हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की जो व्यवस्था है, उसके संबंध में हम सारे आयोजक गण और हमारे जो प्रमुख सम्मानित धर्मगुरु हैं उन सभी लोगों के माध्यम से हमारी जो मैसेजेस हैं वो सभी पूरे पब्लिक तक पहुंच जाए। अनुशासन के साथ और पूरे उत्साह के साथ हमारे प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था का सहयोग करके सभी लोग